हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ गार्डन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। मैंने यहाँ पनीर, कैप्सिकम, गाजर, बीन्स, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद की और सब्ज़ियाँ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, या इनमें से कोई सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेना है, और उसके अंदर हम जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर साबुत मसाले ऐड करना है। इसमें मैंने यहाँ लिया है काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी और एक स्टार्च। जब ये थोड़ा क्रैकर हो जाएगा तब हम इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम यहाँ। अब हम यहाँ एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं, इसको भी हमें प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। अब हमें यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करना है, जो मैंने कट करके रखी थी। हमें अपनी सारी वेजिटेबल्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ मैंने एक आलू भी कट करके ऐड कर दिया है। इन सबको हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ टमाटर और कैप्सिकम को लास्ट में ऐड करेंगे, जब हमारी बाकी की सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद में हमें कैप्सिकम और टमाटर ऐड करना है, क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी गल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट को ऐड करने के बाद हमें अपनी फ्लेम को थोड़ा स्लो करके 5 मिनट के लिए सब्जियों को पकने के लिए रख देना है। और साथ ही हम अपना पनीर भी फ्राई कर लेते हैं एक साइड, इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो पनीर को ऐसे भी डाल सकते हैं विदाउट फ्राई किए, लेकिन फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। यहाँ देखिए हमारी सब्जियाँ भी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप नॉर्मल मसाला, इसकी धनिया, रेड चिली, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये सब ऐड करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमें सब्जियों के अंदर मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ अपना राइस ऐड कर रहे हैं। इस राइस को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था। अब हम इसको वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमें 2 मिनट यहाँ राइस को वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा फ्राई कर लेना है। अब हम यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं। मैंने 2 कप राइस लिए थे, तो इसके लिए मैं 3.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमें सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट हमें थोड़ा सा चटकीला रखना है। और अब हम यहाँ पर अपना पनीर ऐड कर लेते हैं, और साथ ही हम यहाँ 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेते हैं। इससे बिरयानी में अच्छी खुशबू आती है और राइस भी थोड़ा खिला खिला बनता है। अब हमें पानी के अंदर बॉयल आने तक के लिए वेट करना है। जब हमारा पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब हम ढक्कन को बंद करके इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 15 मिनट्स के बाद इसको हमें 10 मिनट तक ओपन नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ इसको ओपन कर रहे हैं, तो देखिए हमारे राइस बनकर बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल खिले खिले राइस बने हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वेज पुलाव, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।